अगर हैं आप ब्लॉकिंग से परेशान, ब्लॉकिंग मींस आपका ईडब्ल्यूवी ईवे बिल जनरेशन हो चुका है ब्लॉक, आप उसे अनब्लॉक कैसे कराएंगे, उसके लिए है ये वीडियो। पूरी वीडियो देखिएगा जिससे आपको समझ में आएगा कि अनब्लॉकिंग आप कैसे करा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है टैक्स फॉर वेल्थ। मैं रंजन आज आपका स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। थोड़े दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्लॉकिंग ऑफ EW से रिलेटेड। EWB की अगर ब्लॉकिंग आपकी हो जाती है, उसका रीज़न ये होता है कि अगर आपने दो या दो से अधिक कंजिक्यूटिव मंथ्स मींस रेगुलर मंथ्स की रिटर्न GSTR-3B फाइल नहीं करी है, तो आपका ईवे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक हो जाती है GST पोर्टल के द्वारा। ये अभी रिसेंट की अमेंडमेंट है, उस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें। आगे आज मैं इस वीडियो को किस लिए लेकर के आया हूँ, इस वीडियो का पर्पस है दोस्तों कि अगर आप ऑलरेडी ब्लॉकिंग की समस्या को झेल रहे हैं तो आप उसे अनब्लॉक कैसे करा सकते हैं। अनब्लॉक कराने के लिए आपको पहला GST पोर्टल ने बिल्कुल सूटेबल आपको आंसर दिया है कि आप जिस वजह से आपकी चीज़ें ब्लॉक हुई हैं उस चीज़ को आप कर दीजिए, आपकी अनब्लॉकिंग हो जाएगी। इट मींस आपने फाइलिंग नहीं करी है दो या दो से अधिक कंसेक्यूटिव मंथ्स की, तो आप उसकी पहले फाइलिंग कर दीजिए, हम आपका नेक्स्ट डे ही अपडेट कर देंगे, मींस पोर्टल ऑटोमेटिक आपका EWB का चल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। पहला ऑप्शन है ऑनलाइन का। ऑनलाइन में आप इमीडिएट स्टेटस चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपने सपोज अगर आपकी सितंबर और अक्टूबर मंथ की फाइलिंग नहीं हुई थी, जिसकी वजह से आपका दिसंबर, 2nd of December की अपडेट है, 2nd of December को आपका ईवे बिल जनरेशन फैसिलिटी बंद हो जाती है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपनी फाइलिंग करनी होगी पहले, उसके नेक्स्ट स्टेप आपका जो होगा EWB पोर्टल पे आपको जाना होगा जहाँ से पहले आप EWB जनरेट करते थे। वहाँ पे पोर्टल पे जाते ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टेटस एंड अपडेट। स्टेटस एंड अपडेट ऑप्शन को क्लिक करना होगा, वो आपसे आपका ब्लॉक्ड GST नंबर मांगेगा। उस GST नंबर को डालते ही आपको कैप्चा इमेज को फिल करना होगा, उसके बाद उसमें एक नीचे ऑप्शन आएगा अपडेट एंड चेक स्टेटस। उस ऑप्शन को क्लिक करते ही आपका ईवे बिल जनरेशन ओपन हो जाएगा, मींस आप फिर से जनरेट कर सकते हैं। प्रायर GST पोर्टल ने आपको कहा है कि ये काम तभी आप करें जब आप फाइलिंग कर चुके हैं, मींस जो मिस्टेक आप पहले किए हैं उसको सुधारने के बाद ही आप अनब्लॉकिंग कर सकते हैं, ये बात ज़रूर ध्यान रखें। सेकेंड पॉइंट, अगर आप ऑनलाइन फैसिलिटीज़ नहीं चेक कर पा रहे हैं, मींस ऑनलाइन इमीडिएट आपका नहीं हो पा रहा है, तो आप ऑफलाइन तरीके से करा सकते हैं। आपका जो एरिया है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफिस जो है आपका, वहाँ पे जाइए, अब जो टैक्स पेयर है मींस जिसका EWB ब्लॉक है वो जाए, या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है CA या फिर जो भी जिसके थ्रू वो डीलिंग कर रहे हैं वो जाए और वहाँ ऑफिसर से मिलके उसको सारी अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, लाइक कि मैंने इतनी रिटर्न्स नहीं भरी थी जिसकी वजह से मेरा ईवे बिल जनरेशन फैसिलिटी बंद हो चुका है, वो रिप्रेजेंट करें AO के सामने। AO आपका एक नोटिस के थ्रू आपको इंटीमेट करेगा कि हाँ इस दिन से या इस टाइम के बाद से आपका EWB फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। ये थी आपकी दो प्रोसेस जिसके थ्रू आप EWB जनरेशन कर सकते हैं। दोस्तों एक मेन बात ईवे बिल जनरेशन में आती है, जब भी किसी के दिमाग में ख्याल आता है ईवे बिल जनरेशन तो डायरेक्ट एक लेमैन का माइंड कहाँ जाता है, ट्रांसपोर्टर के पास, क्योंकि ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो GST पोर्टल ने इसमें साफ क्लैरिफाई कर दिया है कि जो ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड हैं या जो नहीं रजिस्टर्ड हैं उनके लिए ये पॉइंट है इसमें, जो नहीं रजिस्टर्ड हैं ट्रांसपोर्टर GST पोर्टल पे उनके लिए कोई इम्पैक्ट नहीं होगा ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग से रिलेटेड, बट जो रजिस्टर्ड हैं अगर उनका GST ब्लॉक्ड है तो उन्हें भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा जैसे कि मैंने ऊपर अभी आपको बताया। पूरी वीडियोस को देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें क्योंकि ये अभी नई समस्या है जो कि GST में आ रही है और रेगुलर आने वाली है आगे। आपको मैं आपका दोस्त आपको सही सजेशन देते हुए ये बताऊंगा कि GST फाइलिंग जितनी भी है आपकी, आपका डेटा जितना भी है उसको रेगुलर टाइम पे, एक्यूरेट टाइम पे, अगर थोड़ी पेनल्टी भी लगती है तो पेनल्टी के साथ उसको फाइल करें, बट ज़रूर फाइल करें जिससे कि आपको EWB जनरेशन की फैसिलिटी मिल सके।
दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारा चैनल टैक्स फॉर वेल्थ अब Amazon Fire TV पे, Android TV पे और प्ले स्टोर पे ऐप पे अवेलेबल है। आप Facebook, Instagram, Twitter पे फॉलो कर सकते हैं, इवन LinkedIn पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमें सब जगह फॉलो करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आगे के इन्फॉर्मेशन को पा सकेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।